मेरे गले से और आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आज की महफिल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत बड़ी महफिल थी। अभी 11वीं शरीफ की अब तक की मेरी सबसे बड़ी महफिल थी। और अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सादिया इरफान। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ड्रेस निकाल रही हूँ कि आज मुझे जाना है महफिल में, और आज भी ये वाला ड्रेस पहनूंगी जो कि बिल्कुल नया है और मैंने अभी तक पहना नहीं है। और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल है हमारी, उसमें हम पहन के जाएंगे न्यू ड्रेस। और ये वाला मेरा ड्रेस आपको याद होगा, मैंने पिछले कुछ पुराने व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे स्टिच करके दिया था। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट ड्रेस है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये। और इसका स्टॉलर भी मैं मैचिंग का ले आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चिकनकारी का दामन बना हुआ है इसका, और ये वेस्ट कोस का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। आजकल सर्दियों में खाड़ी और वेस्ट कोस के कपड़े आ रहे हैं ज़्यादातर, तो बहुत ही खूबसूरत है, इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल सिल्क जैसा है, लेकिन ये सिल्क नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट का इसका स्टफ़ है, बहुत ही लाइट वेट है। और मुझे ज़्यादा भारी कपड़े पहने भी नहीं जाते मुझसे, और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े जो शादियों में पहनते हैं ना, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से बेजार होकर पहनती हूँ। मुझे लाइट वेट के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के से। इस पर ट्राउज़र पे भी मेरी सिस्टर ने डिज़ाइनिंग की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और बिल्कुल लाइट वेट है, कुछ ऐसा हैवी नहीं लगाया ट्राउज़र पर भी, और बहुत ही प्यारा सूट है। कलर भी कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। और साथ साथ मैं उस दिन परसों मार्केट गई थी, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ मैं स्टॉलर भी लेकर आ गई थी अपने लिए। पहले मुझे इनर कैप, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ पुराने भी हो गए, और ब्लैक कलर के जो मेरे पास इनर कैप हैं वो कुछ पुराने हो गए, उस पर जो स्टोन लगे हुए ना वो थोड़े ख़राब से हो गए, तो मुझे ब्लैक कलर के इनर कैप भी चाहिए थे, वो भी मैं लेकर आ गई हूँ, इनर कैप ब्लैक कलर का। और साथ साथ स्टॉलर लेकर आई हूँ मैं, ये बहुत ही खूबसूरत कपड़े का, और बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मुलायम कपड़ा है, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आजकल आपको पता होगा कि ट्रेंडिंग में बिल्कुल सिंपल और प्लेन स्टॉलर चल रहे हैं, आजकल एम्ब्रॉयडरी वाले और सितारे मोती वाले स्टॉलर नहीं चल रहे, हर कलर के होते हैं लेकिन बिल्कुल प्लेन होते हैं, बस सिर्फ फैब्रिक अलग अलग होता है। तो ये फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सिल्क टाइप का है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये क्रिंकल भी है इसमें, जैसे मिक्स कपड़ा होता है ना इस टाइप का कपड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सूट के साथ मैचिंग भी कर रहा था, एक कंट्रास्ट है इसमें, जो मैंने ये लेस लगाई ना उसकी मैचिंग का है। साथ साथ ये वाला स्टॉलर लाई थी, ये सिल्क का स्टॉलर है, वो वाला सिल्क नहीं था, ये सिल्क है जो थोड़ा गफ वाली सिल्क होती है ना वो है, बहुत ही खूबसूरत है, ये बड़ा भी है काफ़ी, इसको बहुत अच्छे से आप सेट कर सकते हैं, प्लेट्स वाला स्टॉलर आप इसका सेट कर सकते हैं। और ये मैंने अपने अबाये के लिए लिया है, आपको पता होगा मेरे अबाये में स्टोन लगे हुए हैं इस कलर के, जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पे, वो मैं अक्सर पहनती हूँ कहीं खास जगह पे जाती हूँ, तो उसकी मैचिंग का मैं लेकर आई हूँ। मेरा बहुत दिल था कि उसके साथ मैं ना कंट्रास्ट में कोई स्टॉलर लेकर आऊँगी, बस ये मैं चीज़ें लेकर आई थी, वो मैंने तैयारी कर ली थी महफिल की। उसके बाद मैंने खाना निकाल लिया था, बच्चों को सबको खाना वाना खिला कर, और यहाँ पर मैंने जो सैलेड बनाया था वो है मिर्चें अचारी, रात के चावल हैं, अम्मी के घर से फिश का सालन आया था, रोटियाँ बना ली थी। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, यहाँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे महफिल में भी जाना था, तो मैं चाय पी रही थी सुकून से बैठ के अलग कमरे में, बच्चे टीवी देख रहे थे और उस टीवी की आवाज़ से भी मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा दूसरे कमरे में आराम से बैठ के पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, चाय से ना बहुत सुकून मिलता है, और मैं बिल्कुल टी लवर, ऐसे भी मुझे किसी महफिल में जाना होता है तो फिर मैं पहले चाय या फिर ग्रीन टी या फिर हर्बल टी जो मैं बनाती हूँ वो पी लेती हूँ, उससे मेरे गले को भी काफी आराम होता है। तो फिर जल्दी से चलते हैं रेडी होने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी सादिया इरफान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, बल्कि शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ महफिल में। आप सबको भी मेरे साथ जाना है महफिल में, इंशाल्लाह बहुत ही पुरौनक महफिल सजाने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। आप सबके लिए भी, मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए मैं दुआएँ करती हूँ अपनी महफिलों में कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ दुआएँ कबूल और मंजूर फरमाए, सबकी जो भी परेशानियाँ वह दूर फरमाए। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना है, पूरा आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टॉलर कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर 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 क्लिक करें अभी, और लाइक का बटन भी जल्दी से दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम तर न्यू वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जल्दी से चलते हैं महफिल में और महफिल सजाते हैं।
आयशा को मैंने ये वाला सूट पहनाया है जिसका हाफ बांधा है, इनको भी स्ट्रॉलर सेट किया है इनका, और मेरी तरह इन्होंने भी शोल्डर पे दुपट्टा लिया है। कल संडे था इसलिए मैंने सोचा चलो आयशा को भी ले जाते हैं। ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। झोली भर दो कासा सबका पंजतने खैर से, मेरे नीरा भर दो कासा सबका पंजतने खैर से, मीरा बलियों के इमाम तो यहाँ पर महफिल बहुत ही खूबसूरत चल रही है, और आपको पता है कि गौज़ पाक का महीना चल रहा है, तो सारी जितनी भी हाजिरीन महफिल थी वो सारी फरमाइश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गौज़ पाक के मनकबत पढ़ी जाए, गौज़ पाक के कलाम पढ़े जाएँ, और बहुत ही हम सब ने झूम झूम के गौज़ पाक रदी अल्लाह ताला ने के कलाम पढ़े, उसके बाद फिर सलाम पढ़ लिया हमने, और महफिल के अख्तिताम के बाद हमने लंगर खाया। काश तो बस अब मैं मिलाद में से आ गई, और आपको मेरे गले से और आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आज की महफिल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत बड़ी महफिल थी, अभी 11वीं शरीफ की अब तक की मेरी सबसे बड़ी महफिल थी, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मतलब पुर रौनक महफिल थी, सुनने वाले भी सुनने से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत शौकीन थे सुनने वाले माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। खाना वाना खा कर अब हम आ गए, आयशा ने भी आज बहुत इन्जॉय किया। आयशा मज़ा आया आपको है? हाँ, आयशा ने भी वहाँ पे बहुत फूल उड़ाए मुझ पे। बस यही था मेरे आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, 6 बजे मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में रहिएगा मेरे साथ, और चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, मुँह हाथ धोऊंगी, और उसके बाद खाना वाना तो खा कर आई, बस लेटूंगी, बच्चे भी सो गए आज, इतनी लेट हो गई है। असल में महफिल मगरिब के बाद स्टार्ट हुई थी, और इतनी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की महफिल थी, जिसकी वजह से ना और पढ़ने वाले कहते और पढ़ें थोड़ा और पढ़ें थोड़ा, हालांकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो अब खाना वाना खाकर घर पहुंचते पहुंचते मुझे 11 बज गए, अब 11 बज रहे हैं, बस जाती हूँ, सुबह शुक्र है अल्लाह का कि संडे है, जाती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ और फ्रेश होती हूँ, फिर सोती हूँ। कल मिलते हैं दोबारा से आपके लिए, अल्लाह हाफिज़।